नेता बनना है तो उन्हें सारे बहुजन समाज की जितनी सब कम्युनिटीज हैं उनकी बात रखनी पड़ेगी, उनकी व्यथा सुननी पड़ेगी, उनका दुख दर्द समझना पड़ेगा, उन सबको कलेक्टिवली सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखिए इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 6 जजों ने जब ऑर्डर दे दिया है तो ये इससे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा ऑर्डर तो कोई हो नहीं सकता। ये ऑर्डर आ चुका है, अब तो ये सरकारों को लागू करना है। कोई भी लीडर, देश का कोई भी लीडर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, वो किसी एक समाज से नहीं बन सकता, चाहे समाज कितनी बड़ी संख्या में हो। समाज तमाम समाजों को जोड़कर वो एक हक हकूक की बात करे, महिलाओं की बात करे, युवाओं की बात करे, बेरोजगारों की बात करे, कमजोर तबकों की बात करे, उनको आगे बढ़ाने की बात करे, तभी वो बड़ा लीडर साबित होता, बड़ा लीडर माना जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिव इंडिया, और इस समय फिर से एक बार आपका स्वागत है। हरनाम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। ऐसे में 1 अगस्त को वर्गीकरण का फैसला आता है और जो बहुजन समाज है वो बिखर जाता है, पक्ष और विपक्ष में बढ़ जाता है। ऐसे में जो बहुजन समाज की टॉप लीडर मानी जाती है आयरन लेडी मायावती जी का ट्विटर पे ट्वीट होता है कि जो लोग पार्टी में वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं वो लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में हरनाम सिंह जी क्या कहेंगे सर, बहुजन समाज की आयरन लेडी जिनको लोग अपना नेता मानते हैं अगर वही इस तरीके का ट्वीट अगर कर रही है तो समाज में तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जैसा कि आपने कहा कि बहुजन नेता, तो अगर उन्हें बहुजन नेता बनना है तो उन्हें सारे बहुजन समाज की जितनी सब कम्युनिटीज हैं उनकी बात रखनी पड़ेगी, उनकी व्यथा सुननी पड़ेगी, उनका दुख दर्द समझना पड़ेगा, उन सबको कलेक्टिवली सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर वो इस तरीके की हल्की और छोटी और ओछी बात कर रही है कि वो केवल एक कम्युनिटी की नेता है तो वो उनको मुबारक है, इसका मतलब वो एक छोटी नेता बनना चाहती है, एक छोटे एक समाज की नेता बनना चाहती है। हम तो चाहते थे कि, हमें तो अब तक लगता था वो बहुजन नेता है, सभी समाज के लिए मानती है, तो अगर वो ऐसा कह रही है तो वो अपनी राजनीति को और छोटा कर रही है और जो उनकी डूबती नैया है बसपा की और मायावती जी की वो इससे और ज्यादा डूबेगी नहीं, बिल्कुल बैठ ही जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। तो क्या रहेगा फिर, ये तो पूरा मामला ही खराब हो जाएगा फिर, बहुजन समाज पार्टी है उसका क्या होगा फिर? बहुजन समाज पार्टी आज कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी का कोई सांसद है देश में? बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं कहीं? बहुजन समाज पार्टी आज कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी केवल हमारी जो बहन जी है मायावती जी और उनके भतीजे और उनके भाइयों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बहुजन समाज पार्टी अब बहुजनों के बीच में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी अब बड़ी बड़ी कोठी अटालिकाएं और बड़े बड़े महलों में है। आज बहुजन समाज पार्टी ने जब भी अभी कोई, पिछले मुझे 10 सालों का उदाहरण याद आता है कि जहां भी दलितों पर एट्रोसिटी हुई, बहुजन समाज पर एट्रोसिटी हुई, मुझे तो कहीं समझ नहीं आया बहुजन समाज का क्या एक्टिव रोल प्ले किया। मिर्चपुर में घर जला दिए गए, गुहाना में घर जला दिए गए, महम में कांड हुआ, सहारनपुर में हुआ, मेरठ में दंगे हुए, हाथरस कांड हुआ, दिल्ली की हमारी दलित बच्ची पर रेप कांड हुआ, कहां थी मायावती जी? किसी ने देखा? उनका तो एक ट्वीट तक नहीं आया इन सब मुद्दों पर, मीडिया में उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, उनका कोई, उनकी पार्टी या उनके किसी लीडर का कोई संघर्ष या रोड पर कहीं जाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया। तभी तो स्वतः आज देखे कि आज उनकी पार्टी की हालात क्या है। उनकी पार्टी के हालात ये हैं कि वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। मेरी तो उनको सलाह है, अगर उन्हें सच मायनों में अगर अपने को बहुजन नेता कहलाते रहना है तो उन्हें तमाम वंचित वर्गों को लेकर चलना चाहिए। पिछली बार उनसे जो गलती हुई है उसकी उन्हें सामूहिक माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से कि पिछली सरकार में उन्होंने तमाम बहुजन समाज के लोगों को जो हक अधिकार नहीं दिए, उनको बेरोजगार रखा या रोजगार नहीं दिया या उनके लिए बेहतर योजना नहीं बनाई, तो अगर वो अब भी चाहती हैं कि कुछ उनकी राजनीति में सुधार आए, उनकी पार्टी कुछ आगे बढ़े, तो उन्हें तमाम सब वर्गों की बात करनी चाहिए जो कि उन्होंने आज तक शायद नहीं की है। सर अब क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ 40 जातियां हैं, एक तरफ 14 जातियां हैं, जो वर्गीकरण का पूरा फॉर्मूला आया है, तो क्या अब समाज ने क्या डिसीजन लिया सर इसको लेकर? देखिए इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 6 जजों ने जब ऑर्डर दे दिया है तो ये इससे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा ऑर्डर तो कोई हो नहीं सकता। ये ऑर्डर आ चुका है, अब तो ये सरकारों को लागू करना है। जैसा कि साउथ में तमिलनाडु की सरकार में स्टालिन साहब ने कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं, इस निर्णय को लागू करेंगे। आपके रेवंत रेड्डी ने, तेलंगाना की जो सरकार है उसने कहा है कि हम इसको लागू करेंगे। आंध्रा की सरकार, चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा हम इसको लागू करेंगे। आपके केरल के जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं हम इसको लागू करेंगे। बिहार में जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, वो कह रहे हैं हम इसको लागू करेंगे, हम इसका समर्थन करेंगे। पंजाब हरियाणा में स्वतः ही लागू हो जाएगा क्योंकि वहां का ही ये पहले से केस था। 2004 में पंजाब गवर्नमेंट ही देवेंद्र पाल सिंह के खिलाफ गई थी और उसी के जजमेंट में 5 जजों की जजमेंट के बेंच को काटते हुए 7 जजों की बेंच ने इसको पास किया है। तो ये पूरे देश में मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता
सब जगह लागू होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सरकारें लीगल में वेटिंग कराती है, इसकी विवेचना करती है, वो कर रही है और जल्दी ये लागू होगा। सर भारत बंद हुआ फिर ट्वीट किया, मैं सवाल फिर से रिपीट कर देता हूँ, भारत बंद का आह्वान किया मायावती जी ने, फिर ट्वीट कर दिया, क्या मंशा लग रही है? देखिए मायावती जी और चंद्रशेखर जी ने अपनी संकीर्ण सोच दिखाई है, उनको अगर पूरा समाज जो है अपने सर आंखों पर बिठाकर मानता था कि ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे नेता हैं, लेकिन उन्होंने जब इस तरीके की एक बात कर दी है, कोई भी लीडर देश का, कोई भी लीडर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, वो किसी एक समाज से नहीं बन सकता, चाहे समाज कितनी बड़ी संख्या में हो, समाज तमाम समाजों को जोड़कर वो एक हक हकूक की बात करे, महिलाओं की बात करे, युवाओं की बात करे, बेरोजगारों की बात करे, कमजोर तबकों की बात करे, उनको आगे बढ़ाने की बात करे, तभी वो बड़ा लीडर साबित होता, बड़ा लीडर माना जाता है। केवल एक कम्युनिटी की बात करना, एक वर्ग की बात करना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी संकीर्ण सोच है, उनको अपने को उन्होंने और बहुत छोटा कर लिया है। जी हमारे साथ उदय गिल जी मौजूद हैं, वाल्मीकि पंचायत चलाते हैं जी, वाल्मीकि चौपाल चलाते हैं वो, क्या कहेंगे, क्या फैसला है? बहन जी जो आपने स्टेटमेंट पे अभी सवाल किया अरनाम भाई से, मैं कहता हूँ पहले लोग ये समझते थे हाथी मेरा साथी, इस पर एक फिल्म भी आई है, लेकिन हाथी के दांत खाने के हैं और दिखाने के अलग होते हैं, अब लोग समझ गए। बहन जी को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी, स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो बहुजन की नेता है, ऐसी समाज की नेता है, तो फिर अपने समाज के बहुजन तो नेता मानता ही है सर उनको, नहीं मानता है, लेकिन अब नहीं, कुछ लोग मान रहे हैं जो उनकी पार्टी के लोग हैं। अब पूरे देश में देख लीजिए, अभी अरनाम भाई ने कहा कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कुछ वर्कर हैं जो अपने स्वार्थ के कारण उनके साथ जुड़े हुए हैं, बस मैं और मेरा परिवार बहन जी का लक्ष्य उद्देश्य यही है। तो क्या 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 रहेगा फिर, अब क्या कोई नया विकल्प तैयार हो रहा है? पूरा देश छोड़ रहा है, बहन जी का साथ छोड़ दिया सभी ने, नया विकल्प तो आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, आने वाला है विकल्प। तो कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि जो डीएससी समाज है, डिप्रेस शेड्यूल कास्ट है, जिसमें 40 जातियां हैं और अलग अलग स्टेट में उनकी अलग अलग गिनती है, उत्तर प्रदेश में 59 है, हरियाणा में 40 है, अलग अलग जगह पे अलग अलग उनकी गिनतियां हैं, तो वो डिप्रेस शेड्यूल कास्ट भी क्या अब पार्टी बनाने के बारे में सोचेगा? अभी अभी माहौल नहीं है, पहले वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं पॉलिटिक्स ना करें, जो उनका काफी सालों से ये अपना वर्गीकरण का कोटे में से कोटा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे पंजाब में और हरियाणा में, वो अपनी लड़ाई तक ही रहे, राजनीति में ना आए, जब मौका मिलेगा जब देखेंगे, पहले वर्गीकरण को इम्प्लीमेंट करा लें जो प्रदेश हैं। तो क्या इम्प्लीमेंट की जो लड़ाई है वो बड़ी है क्या? हाँ बड़ी लड़ाई है भाई, आसानी से नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे सरकार? अभी इसको हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एससी कमीशन में रिव्यू के लिए डाल दिया है, बताइए सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ये रिव्यू में डाल रहे हैं, बताइए। लेकिन वो तो कह रहे थे हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, ये सब इनका ये ठंडे बस्ते में डालेंगे, अभी देखना है भाजपा है, हाँ भारतीय जनता पार्टी का नारा है ना वो, सबका विकास नहीं है, अपना विकास है, इसमें बहुत अभी आपको लोचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने के लिए बहुजन समाज तैयार रहे, और सबसे बड़ी बात ये है कि वर्गीकरण पे जो लगातार बहस छिड़ी हुई थी, दो वर्ग आमने सामने थे, अब वो कहीं ना कहीं एक होते हुए नजर आ रहे हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बनेगी जो लगातार इसको इसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। और अभी आने वाले वक्त में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने वाला है, आने वाला वक्त बताएगा कि बहुजन समाज अब किस तरफ करवट लेगा और क्या आने वाली राजनीति रहेगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।